हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में जेईई मेन 2020 के प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे। सो एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। इफ द मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय बी वेक्टर इक्वल टू 3 × 10⁻⁸ साइन 1.6 × 10⁻³x प्लस 48 × 10⁻¹⁰ टेस्ला जे कैप डायरेक्शन दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड का, देन व्हाट विल बी एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी हमको लाइट की स्पीड का मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड से जो कोरिलेशन है उसके बेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैलकुलेट करना है। सो ध्यान से समझे कि हम जानते हैं कि लाइट की स्पीड के वेक्टर को अगर मैं वी वेक्टर से शो करूं तो एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का वी वेक्टर के साथ जो रिलेशन होता है वो होता है ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू नल वेक्टर। अब अगर हम इस कंडीशन को सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, एक बार देखें आप। हम एक टर्म को इसमें से राइट शिफ्ट कर रहे हैं और अब अगर इस चेंज के बाद मैं इसका मॉड्यूलस लूं तो मुझे मिलेगा ई मॉड इक्वल टू वी मॉड बी मॉड। और हम जानते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। सो वी और बी के बीच के एंगल को 90 डिग्री मानते हुए मैं साइन 90 को 1 टेक कर रहा हूं और मॉड लेने की कंडीशन में माइनस को मैंने कैंसिल कर दिया है क्योंकि मॉड्यूलस के अंदर से माइनस प्लस बन के बाहर आता है। अब E वेक्टर का मैग्नीट्यूड V वेक्टर के मैग्नीट्यूड और B वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर है और प्रॉब्लम में गिवन है कि B वेक्टर का वैल्यू विद डायरेक्शन क्या है। सो अगर मैं मैग्नीट्यूड पुट करूं B का और V वेक्टर चूंकि लाइट की वेलोसिटी का वेक्टर है सो इसको मैग्नीट्यूड वाइज हम C से रिप्लेस कर सकते हैं, जहां C मैं सिंबल ले रहा हूं स्टैंडर्ड फॉर्म में जो कि लाइट की स्पीड के लिए यूज किया जाता है। तो E का न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा, E का मैग्नीट्यूड आ जाएगा C इंटू बी। C का वैल्यू 3 × 10⁸ होता है और B की जो वैल्यू है वो साइन वेव के रूप में दी हुई है और उसका मैग्नीट्यूड 3 × 10⁻⁸ गिवन है। हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में लाइट को प्रेजेंट किया जाता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में तो E और B वेक्टर सेम साइनोसॉइडियल फॉर्म में प्रेजेंट किए जाते हैं। सो ये क्लियर है कि जिस फॉर्मेट में B को प्रेजेंट किया गया है E के लिए भी उसी साइन टर्म का यूज किया जाएगा। सो सबसे पहले हमें E में E नॉट के रूप में लिखे जाने वाले मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करना होगा। एक जनरल फॉर्म में अगर मैं लाइट की वेलोसिटी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रेजेंट करूं तो कुछ इस तरह से हम इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स एंड B इक्वल टू B नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। सो अगर वेव फॉर्म में E और B को प्रेजेंट किया जाए उन E और B को जिनकी हेल्प से लाइट को प्रेजेंट किया जा सके तो हम जानते हैं कि उनका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से सिंक्रोनाइज होना चाहिए। सो ये क्लियर है कि B का जो साइनोसॉइडियल फॉर्मेट दिया है उससे E के फॉर्मेट तक पहुंचा जा सकता है। बस एक टर्म में चेंज आएगा कि B के लिए जिस मैग्नीट्यूड का यूज किया गया है B नॉट के रूप में हम E की जगह उस टर्म का यूज नहीं कर पाएंगे। सो पहले हमें E नॉट के लिए एक टर्म कैलकुलेट करना होगा, वही टर्म हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड कितना है E का। सो आइए देखें, E का वैल्यू आ जाएगा 3 × 10⁸ इंटू बी का जो बी नॉट का वैल्यू गिवन है इस प्रॉब्लम में वो 3 × 10⁻⁸ गिवन है। एक बार आप बी वेक्टर का जो एक्सप्रेशन गिवन है उसे देख लें। बी वेक्टर गिवन है 3 × 10⁻⁸ साइन 1.6 × 10⁻³x प्लस 48 × 10⁻⁩ और इसे जे वेक्टर में प्रेजेंट किया गया है, टेस्ला इसकी यूनिट है। सो बी वेक्टर से अगर मैं बी का मैग्नीट्यूड उठाऊं उसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड बी नॉट तो इसे यूज करने पर ई का जो मैग्नीट्यूड आएगा ई नॉट के रूप में वो आ जाएगा 9। यहां पर आप ध्यान दें
कि E इक्वल टू सी बी फॉर्मूले में हमने B की जगह B नॉट का वैल्यू यूज किया है, तो जिस वैल्यू को हम इससे पता लगाएंगे वो E नॉट का वैल्यू होगा। अब E नॉट के इस वैल्यू 9 को, जिसकी यूनिट आप समझते हैं, जिसकी यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम्ब, सो अगर मैं इस E नॉट की वैल्यू को इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में, यानी कि B के जैसी दिखने वाली एक इक्वेशन अगर E के लिए क्रिएट करूं, तो वो होगी E वेक्टर इक्वल टू 9 साइन 1.6 इंटू 10 टू द पावर 3 एक्स प्लस 48 इंटू 10 टू द पावर 10 टी न्यूटन पर कूलम्ब, जबकि ये टेस्ला में था। सो अब इस न्यूटन पर कूलम्ब में इस ई वेक्टर को प्रेजेंट करने के बाद बात आती है कि इसकी डायरेक्शन को कैसे प्रेजेंट करें। तो समझे कि प्रॉब्लम में ये गिवन नहीं है कि लाइट की स्पीड को यानी वेव को किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट होता हुआ माना गया है। सो यहां पर बी वेक्टर की डायरेक्शन जे देने के अलावा वेलासिटी वेक्टर यानी लाइट की स्पीड के प्रोपेगेशन का डायरेक्शन अननोन है। सो ऐसे में हम इस जे वेक्टर के परपेंडिकुलर किसी भी एक डायरेक्शन को ई के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बी और ई की डायरेक्शन डिसाइड करने के बाद वी का डायरेक्शन ऑटो डिसाइड हो जाएगा। सो हमें जे के अलावा जे के परपेंडिकुलर आई वेक्टर और के वेक्टर में से किसी एक वेक्टर को ई वेक्टर के लिए पुट करना होगा। यहां पर ध्यान दें, आप आई और के में से किसी भी वेक्टर को या उनके नेगेटिव फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं, उन दोनों की हेल्प से फिर भी वी वेक्टर की डायरेक्शन को कैलकुलेट किया जा सकेगा। सो अब अगर मैं ऑप्शन को देखूं तो ऑप्शंस में जो जो अवेलेबल ऑप्शन है, हम चेक करते हैं कि उसमें क्या क्या डायरेक्शंस अवेलेबल है। जो ऑप्शंस गिवन है उसमें फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन में ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड ई नॉट गलत दिया हुआ है, वो 3 × 10⁻⁸ फॉर्मेट में दिया हुआ है। सो वो दोनों चॉइस ई नॉट की गलत वैल्यू के कारण रॉन्ग है। चौथे ऑप्शन में भी E नॉट का वैल्यू 60 यूनिट दिया हुआ है, जो कि सही नहीं है। केवल एक ही चॉइस हमारे पास ऐसी है जिसमें E नॉट के प्लेस पर 9 को यूज किया गया है, और उस वेक्टर में E के लिए जिस टर्म को, जिस वेक्टर को, यूनिट वेक्टर को यूज किया गया है वो यूनिट वेक्टर है के वेक्टर। सो अगर मैं इसमें के वेक्टर यूज करूं तो ये ई वेक्टर बन जाएगा। इतना मैं पहले भी बता चुका हूं कि आप जे के परपेंडिकुलर किसी भी वेक्टर को चुन सकते थे। क्वेश्चन में अगर वी वेक्टर का डायरेक्शन यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट की डायरेक्शन यानी कि वेव के प्रोपेगेट होने का डायरेक्शन अगर मालूम होता, अगर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपेगेशन का डायरेक्शन हमें मालूम होता, तो फिर वी और बी की डायरेक्शन की हेल्प से ई का डायरेक्शन कैलकुलेट किया जा सकता था। लेकिन प्रॉब्लम में वी और ई दोनों की डायरेक्शन अननोन है, तो जैसा मैंने अभी बताया कि ई वेक्टर का डायरेक्शन आप जे के परपेंडिकुलर कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, आप ई वेक्टर के लिए जे वेक्टर के परपेंडिकुलर कोई भी डायरेक्शन पिक कर सकते हैं। अब यही वजह है कि हमको ऑप्शंस पर डिपेंड रहना पड़ रहा है। सो सभी गिवन ऑप्शंस में केवल थर्ड ऑप्शन ऐसा है जिसका मैग्नीट्यूड ई नॉट के लिए 9 गिवन है और डायरेक्शन में के वेक्टर को पिक किया गया है। आंसर वोल्ट पर मीटर में दिए गए हैं, तो क्लियरली समझे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को जहां एक और न्यूटन पर कूलम्ब में प्रेजेंट किया जाता है, वही वोल्ट पर मीटर में भी लिखा जाता है। सो अगर हम न्यूटन पर कूलम्ब को वोल्ट पर मीटर से रिप्लेस करते हैं तो ऐसा करने से इस एक्सप्रेशन के जनरल फॉर्मेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल से जो रिलेशन है उसके अकॉर्डिंगली इसका यूनिट वी बाय एम आना चाहिए वोल्ट पर मीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स से जो रिलेशन है उसके अकॉर्डिंगली इसे न्यूटन पर कूलम्ब आना चाहिए। सो थर्ड चॉइस इस प्रॉब्लम की कुछ इस तरीके से दी हुई है और यही इस प्रॉब्लम की बेस्ट चॉइस है। सो इस तरीके से आप एक रिलेशन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए यूज किया जाता है उसे इस्तेमाल करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।